तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको इस वक्त की एक और बड़ी अहम जानकारी से मुखातिब करवाते हैं। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हुई है क्वीन ऑफ हिल्स शिमला। वीकेंड पर शिमला के होटल की ऑक्यूपेंसी 80% पहुंची, होटलों की ऑक्यूपेंसी 80% पहुंची। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि 10 घंटों के अंदर 5000 गाड़ियों ने एंट्री की। तो इस वीकेंड की अगर बात करें सैटरडे और संडे की, तो पर्यटकों से एक बार फिर से राजधानी शिमला गुलजार हो चुकी है। विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हुई हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, फिलहाल ऑक्यूपेंसी के बारे में जानना चाहेंगे और पर्यटन व्यवसायियों का क्या कुछ कहना है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हर वीकेंड के मौके पर जो है वो शिमला, पहाड़ों की रानी शिमला, अब अच्छा मौसम होने के कारण और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो लोगों को अब खींचे यहाँ पे ले आता है। और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीते कल भी हमने देखा कि इस वीकेंड के मौके पर भी अच्छा खासा हुजूम जो है वो पर्यटकों का यहाँ पर उमड़ा है। और कहीं ना कहीं जो पर्यटन की जो अर्थव्यवस्था है जो पटरी से उतर गई थी, लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छा सीजन जो है वो जाएगा, क्योंकि अब पहाड़ों में मौसम भी खुशनुमा हो चुका है, ठंड जो है वो दस्तक दे चुकी है और ऐसे में अब मॉनसून जो है वो भी लगभग रुखसत जो है वो हिमाचल प्रदेश से होने वाला है। तो ऐसे में अब जो पर्यटक है वो हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं और ऐसे में खास तौर पर ये देखा गया महिमा कि जिस तरह से पिछले दिनों कोरोना की बंदिशें थी अब वो हटा दी गई हैं और बहुत ज्यादा खौफ जो है वो लोगों में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पर्यटक ज्यादातर बिना मास्क के और जो कोरोना के जो नियम है उनका पालन जो है वो करते नहीं दिखाई दे रहे। यही एक बड़ी वजह है कि अगर दोबारा से कोरोना का खतरा अगर राजधानी शिमला पर अगर मंडराता है तो सबसे बड़ी वजह जो है वो पर्यटक ही रहेंगे। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो लगातार लोग जो है, स्थानीय लोग हैं या दुकानदार हैं या होटल व्यवसायी हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो पर्यटकों को समझाते नजर आ रहे हैं। और ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें तो 70 से 80% ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो यहाँ पर पहुंच गया था, लेकिन कल जैसे जैसे शाम हुई पर्यटक जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी से अब निकलते नजर आए। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में होटल व्यवसायी जो है वो ये मान रहे हैं, जानकार ये मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद है, लेकिन खतरा सिर्फ और सिर्फ कोरोना का रहेगा। तो ऐसे में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, एहतियातन लगातार पर्यटकों को समझाते स्थानीय लोग और जो होटल कारोबारी हैं वो लगातार समझाते जो है उनको नजर आए। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल में पर्यटकों का हुजूम उमड़ आया है इस वीकेंड। अगर आपको बताएं कि शिमला के होटल में ऑक्यूपेंसी 80% रही, लेकिन सावधानी बरतते हुए फिलहाल पर्यटक नहीं नजर आ रहे, जिसको लेकर परेशानियां बढ़ सकती है।